एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गेट नोटबुक। और अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें ताकि आपको फर्दर अपलोड किए जाने वाली वीडियोस, लाइव सेशंस की टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके और आप क्लासेस टाइमली अटेंड कर सकें। सो अगेन, आज आप सभी के लिए 9 बजे के सेशन में अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रखा गया है, दैट इज सबनेटिंग नेट मास्क। ओके, ये कंप्यूटर नेटवर्क का अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले भी हम इससे रेलिवेंट एक सेशन ज़रूर देख चुके होंगे आप लोग, है ना। सो वहाँ पर हमने कई सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो आज अगेन मैं आपको पहले यहाँ पर एक SRP प्रोवाइड करूँगी सबनेटिंग सबनेट मास्क के बारे में, एंड देन वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। टोटल 10 प्रैक्टिस प्रॉब्लम अगेन लेकर आई हूँ, आप लोग को भी यहाँ पर सॉल्व करना है, साथ ही के साथ जल्दी जल्दी सॉल्व करने के बाद आप लोगों को फिर मैं आपको एनालिसिस करवाऊंगी विद अ ग्रेट एक्सप्लेनेशन। क्लियर? ओके, देखते हैं कितने लोग आ चुके हैं। आई होप आज भी कई सारे लोग आएंगे। हेलो सुशील, हेलो बीनू, हेलो जय, हेलो इति, हेलो भावना, मोनिका, रितिका, ओके प्रीति, हरजीत, ओके न्यूमन, हाय न्यूमन, हेलो शगुफ्ता। चलिए सभी लोग आ जाइए। यस, वन मोर थिंग मैं यही कहना चाहूँगी कि देखिए यहाँ पर क्लासेस 2 टाइमिंग पे होती है। देखिए जो न्यू स्टूडेंट है उनको भी पता लगना चाहिए और जो पुराने स्टूडेंट है उन्हें भी पता लगना चाहिए। 7 PM पे एक क्लास ऑलरेडी हो चुकी है, दिस इज़ क्लास 1, ठीक है, एंड दिस इज़ योर क्लास 2, दैट जो कि आपका 9 PM पे होता है। तो दोनों क्लासेस अटेंड किया करो, ठीक है। अब मोस्ट ऑफ द लर्नर्स जो है यहाँ पर एक्टिव रहते हैं दोनों क्लास में, बट बहुत सारे ऐसे भी हैं जो कि दोनों क्लासेस में नहीं आते हैं। तो ध्यान दीजिए, 9 PM के साथ 7 PM की क्लास भी देखें और 7 PM के साथ 9 PM की क्लास भी ज़रूर ज़रूर देखा करें, ठीक है। चलिए, सो यहीं पर मैं आपको पॉइंट क्लियर कर दूँ होमवर्क के लिए। अब तो काफ़ी सारे लोगों के होमवर्क तुरंत आ जाते हैं और वो पासवर्ड के लिए बिना होमवर्क के नहीं पूछते, दैट्स अमेजिंग। आप लोग मतलब बिल्कुल फैमिलियर हो चुके हो। सो बिल्कुल आप लोग फेसबुक, जो आपका फेसबुक ग्रुप है गेट CAC 2020 श्वेता कुमारी, इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको मिल जाता है PPT अपलोड किया हुआ और उस PPT में लगा होता है पासवर्ड। उस पासवर्ड को मांगने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, मेरी प्रोफाइल, दैट इज़ नीतू रानी, ठीक है, मेरी प्रोफाइल पे पर्सनल मैसेज करके आपको मुझे आंसर्स भेजने हैं एंड देन आई विल गिव यू द पासवर्ड दैट टाइम, ठीक है, क्लियर है। चलिए नाउ आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं अनअकैडमी पे भी मैं एजुकेटर हूँ, तो आप बिल्कुल यहाँ पर मेरी प्रोफाइल देख रहे होंगे। यहाँ से भी UGC नेट के लिए, कुछ UGC नेट कहूँ या गेट की बात करूँ, बहुत सारे यहाँ पर आपको कोर्सेस मिल जाएंगे जो आपके सिलेबस से मैच करते हैं, जो कि पेपर 1 के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। तो आप लोग बिल्कुल देख सकते हैं, गेट वाले भी देख सकते हैं जहाँ पर वर्बल एबिलिटी या फिर बात करें एप्टीट्यूड, तो उसके बहुत सारे कोर्सेस यहाँ पे मिल सकते हैं, क्लियर है। चलिए ना अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं SRP को लेकर। ओके, यहाँ पर रितिका करिए, चलिए ठीक है, मैं यहाँ पर आंसर तो लेकर नहीं आई हूँ अभी, ऑन द स्पॉट क्वेश्चन भी याद नहीं है मुझे कल का, बट डोंट वरी, ठीक है, किसी एक सेशन में हम कल के जो क्वेश्चंस मैंने दिए थे उसके आंसर्स भी मैं बता दूंगी, ठीक है। कृष्णा, काइंडली राइट डाउन हियर, आप गेट के एस्पिरेंट हो या फिर UGC के हो, सो दैट आई कैन हेल्प यू। ओके, गुड इवनिंग शाहिद, गुड इवनिंग पायल, गुड इवनिंग रोहिणी, हेलो प्रेमनाथ। ओके, विजिबल है आप लोगों को, पहले ही अभी सेशन को स्टार्ट हम करने ही जा रहे हैं, क्या सेशन आपको बिल्कुल क्लियरली विजिबल है? हाँ जी, ओके ओके, चलिए, एक्चुअली क्या आप लोग के कमेंट्स नहीं आ रहे थे, दैट्स व्हाई मुझे लगा कि विजिबल नहीं है। ओके, नो मैम, आई थिंक अल्टरनेट क्लासेस इज़ बेस्ट। ओके, नहीं, सबकी ओपिनियन जानना बहुत ज़रूरी है। ओ
ओके रोहिणी, आई कैन अंडरस्टैंड। यस कृष्णा का कोई मैसेज नहीं, कुछ रिप्लाई नहीं आया। ओके चलिए ठीक है, एक बात मैं एक बार क्लियर कट कह देती हूँ। देखिए बीच में अब आना जाना करोगे तो कभी भी नहीं होगा। जैसे ये कृष्णा का भी रिप्लाई नहीं आ रहा, मे बी हो सकता है कुछ रीज़न हो। ठीक है, आप क्वेश्चन पूछते हो तो काइंडली वहाँ पर जल्दी से आंसर भी कर दिया कीजिए क्योंकि टाइम निकल जाता है। ओके अभी आया कृष्णा का। ओके गेट के हैं तो देखिए, जो गेट के एस्पिरेंट हैं ठीक है, उनके लिए भी एक पॉइंट कह देती हूँ। बार बार सब कहते हैं, कमेंट भी आता है, यूजीसी के भी हैं। देखिए अभी क्या है, यूजीसी का एग्जाम बहुत नियर है, यू कैन अंडरस्टैंड। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर फास्ट ट्रैक वीडियोस क्रिएट कर रहे हैं। ये फास्ट ट्रैक वीडियो से क्या होगा कि आप लोग जो है काफ़ी जल्दी किसी सब्जेक्ट को कोप कर सकते हो, क्लियर है। और गेट की बात करें तो जैसे ही यूजीसी का एग्जाम ओवर होगा ना, देन वी विल स्टार्ट क्रैश कोर्स। बट क्रैश कोर्स के बारे में हमने पहले ही कह दिया था, गेट के एस्पिरेंट को भी कह रही हूँ। जैसे कृष्णा है, बहुत सारे लर्नर है, क्रैश कोर्स की बात करें। देखिए क्रैश कोर्स बनाने में भी बहुत मेहनत लगती है, इवन काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, एक पूरे सब्जेक्ट को पूरा पढ़ाना। एंड वी वॉन्ट स्टूडेंट्स, ठीक है, हमने कहा था स्टूडेंट्स होने चाहिए। अभी जैसे हमने टेस्ट सीरीज की भी बात की है, कहा था 100+ स्टूडेंट होने के लिए, बट मैंने तो वही सेम स्ट्रेंथ देखी अभी तक। सो इससे कोई मतलब नहीं हो पाएगा। मैं यही चाहूँगी, आपको यहाँ पे फ्री एजुकेशन मिल रही है, नोट्स मिल रहा है, तो डेफिनेटली आप लोग भी थोड़ा सा शेयर कीजिए। हर एक स्टूडेंट के कम से कम 4 से 5 फ्रेंड तो होते ही यार, उन सभी को बोलो। अपने आप 100 क्या, यहाँ पे 500 स्टूडेंट हो जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा, है ना। इसीलिए कोशिश कीजिए, है ना। मैंने बताया 100 स्टूडेंट हो जाते हैं टेस्ट सीरीज लॉन्च हो जाएगी, है ना, सब कुछ आपको बताया ही हुआ है। तो 100 स्टूडेंट कीजिए और डेफिनेटली आप लोग के लिए टेस्ट सीरीज ऑलरेडी बने हुए हैं। अभी तक 2 टेस्ट सीरीज बन चुके हैं, क्लियर है। एंड आई होप मैंने ग्रुप में एक टेस्ट सीरीज आप लोगों के साथ शेयर किया था, दैट इज रिलेवेंट टू SBIPO। वो एक एग्जांपल था कि आपके पास जो टेस्ट सीरीज आएगी कुछ उससे भी बेटर रहेगी। बट यस डेफिनेटली इसके लिए क्या चाहिए, आप लोगों की स्ट्रेंथ चाहिए, है ना। पेशेंस से काम नहीं चलेगा। देखिए आज अगर आप लोगों ने ठान लिया कल 100 स्टूडेंट हो जाएंगे, 100 में कम कह रही हूँ, अगर एक बार एक स्टूडेंट, लाइक मान लीजिए यहाँ पे 47 में 50 मान के चलती हूँ, अगर 50 स्टूडेंट अपने दो दो फ्रेंड्स को लेकर आए तो क्या 150 स्टूडेंट नहीं हो जाएंगे, बताइए भावना। हाँ अग्री करती हूँ, हाँ मुझे भी पता चला 70 स्टूडेंट्स थे, बट जस्ट फॉर 10 मिनट्स, है ना। 10 मिनट्स से काम चलेगा क्या, 10 मिनट्स भी नहीं थे, इवन 5 मिनट्स, वो भी सिर्फ 70 थे, 75 थे, मैंने भी देखा। ठीक है तो समझिए थोड़ा सा, और कुछ नहीं। कृष्णा ये गेट के लिए भी है, काइंडली चेक द सिलेबस, ठीक है, ये गेट के लिए भी लेक्चर्स हैं और UGC के लिए भी हैं, ठीक है, देखना आपको सब है। लेकिन क्रैश कोर्सेस UGC एग्जाम के बाद ही होंगे और उसकी भी कंडीशन है, अगर आप 100+ स्टूडेंट का टारगेट कर देते हो तो क्रैश कोर्स चलनी ही चलनी है, और वो भी लगातार 2-2 क्रैश कोर्सेस मिलेंगे, ठीक है। देखिए इच्छा की बात नहीं है, स्टूडेंट की कमी नहीं है, या आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं, है ना, ऐसे ही कोचिंग इंस्टीट्यूट्स तो नहीं चल रहे हैं ना। बस एक बार देखिए, अगर आपको चाहिए, हम अपने साइड से पूरी मेहनत कर रहे हैं। अभी आप लोग भी स्टूडेंट्स हैं, पर्सनल मैसेज कर करके हमने आपको बुलाया है ना, हमने देखा कि ये एक्टिव स्टूडेंट है, इनको रिक्वायरमेंट है, और दैट्स वाई हमने आपको यहाँ पर पर्सनली मैसेज करके या फिर ग्रुप में ज्वाइन किया, क्योंकि हम आपकी फिक्र करते हैं, तो थोड़ा सा बनता है ना। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं, बातें बहुत हो गई है। चलिए नाउ सिंगल रिवीजन पेज में हम यहाँ पे शॉर्टकटली, ठीक है, विद इन 5 मिनट्स हम सब नेटिंग के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें करेंगे, ठीक है। नाउ सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि सब नेटिंग होता क्या है। तो देखिए नेटवर्क के बीचों बीच आ रहा है, कई बार तो ऐसा होता है लोग ये बोलते हैं सब नेटिंग टॉपिक किसका है भाई, बट नेटवर्क आ रहा है, नेटवर्क का सबनेट करना, दैट इज कॉल्ड सब नेटिंग। यू कैन सी हियर थ्रू दिस डायग्राम, ये एक नेटवर्क है, ठीक है, ये एक पूरा का पूरा एक नेटवर्क है। इस नेटवर्क में इसको एक भाग कर दिया, इसको एक सब पार्ट कर दिया, इसको एक सब पार्ट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट अगले पॉइंट पे आते हैं, इस वाले नेटवर्क को अगेन इतने इतने पार्ट में डिवाइड कर दिया, इस नेटवर्क को अगेन इतने इतने पार्ट में डिवाइड कर दिया, एंड इस वाले नेटवर्क को भी इतने इतने पार्ट में डिवाइड कर दिया।
मतलब फर्दर डिवीजन, सब डिवीजन्स, क्लियर है, सब डिवीजन्स ऑफ नेटवर्क इज कॉल्ड सब नेटिंग। सो वही यहाँ पर कहा गया है, द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग अ सिंगल नेटवर्क, ये क्या था, एक सिंगल सा नेटवर्क था, उसको डिवाइड करते गए इनटू मल्टीपल सब नेटवर्क्स, ये बना ये बना ये बना, देन इस वाले की बात करें तो फिर ये बना एंड देन ये बना, सो दिस इज कॉल्ड सब नेटिंग। क्लियर है, सभी को क्लियर होगा, मैं बेसिक से बता रही हूँ, जो बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी। नाउ नेक्स्ट पे आते हैं, सब नेट्स क्या होता है, सब नेटिंग प्रोसेस है, तो सब नेट्स क्या, जो सब नेटवर्क बन के आए, ये भी आपका एक सब नेट है, ये भी आपका एक सब नेट है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो सब नेट्स मतलब नेटवर्क का छोटा पार्ट, दैट्स ऑल, क्लियर है। नाउ आगे बात कर लेते हैं एडवांटेजेस की, हम सब नेटिंग क्यों करते हैं, व्हाई इट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। सो सिक्योरिटी इंप्रूव हो पाती है, ऑब्वियस सी बात है, अगर एक घर है, सिंपल से एक घर है, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक मेन गेट हो और बाकी कमरे में कोई भी डोर ना हो, ठीक है, तो चलो ठीक है, ये मेन गेट सिक्योरिटी दे रहा है, बट एक बार ये गेट टूट गया, फिर चोरों के लिए तो आसान हो जाएगा घर में कुछ भी उठा के ले जाना, है ना, पता चला कि 1 किलो सेब लेकर आए थे और बचा कितना, आधा किलो ही, आधा किलो चोर लेके चला गया, पता भी नहीं चला, है कि नहीं, समझ रहे हो ना। बट वही अगर हर एक कमरे में दरवाजा लगा दिया जाए तो क्या होगा, अच्छा अच्छा खासा वहां पर बन जाएगा ना सिक्योरिटी, तो वही सेम काम है, नेटवर्क को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके सब पे अलग अलग सिक्योरिटी प्रोवाइड कर देगा वो, है ना, और द मेंटेनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन भी इजी हो जाएगा, क्योंकि देखिए अब ये बड़े वाला डोर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक रूम की है ना, लेकिन अगर हर एक रूम को इंडिविजुअली डोर प्रोवाइड कर देंगे तो क्या होगा, मेंटेनेंस सही हो जाएगा, एक ही डोर पर एक रूम की रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी और काम आसानी से हो जाएगा, सो मेंटेनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन इजिली हो जाता है। ये आपसे कभी कभी ऐसा पूछा जाता है ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट सब नेटिंग, तो वहां पर हेल्प मिल जाती है। ओ क्या, अच्छा सुशील के दोस्त लोग ही चोरी कर लेते हैं, अब वो दोस्त थोड़ी चोर हुए, वो तो मस्ती कर लेते हैं, है ना। हाँ एप्पल का फोन ही ले गया, चलो एप्पल की जगह एप्पल का फोन कर लो, ठीक है। नाउ अगले पे आते हैं नंबर ऑफ होस्ट फाइंड आउट करने के, ठीक है। नंबर ऑफ होस्ट फाइंड आउट करने से पहले मैं इसको एक बार डिस्क्राइब कर दूं, यहाँ पर सबनेट में आईडी होती है, सबनेट आईडी इज क्रिएटेड बाय बोरोइंग सम बिट्स फ्रॉम द होस्ट आईडी पार्ट ऑफ द आईपी एड्रेस। अब कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज सबनेट आईडी, या फिर सबनेट आईडी से रिलेवेंट कौन सा पॉइंट यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। सो यहाँ पर सबनेट आईडी कैसे क्रिएट होता है, तो जब हम होस्ट आईडी के पार्ट से, आपको पता ही है कि जब हम सबनेटिंग करते हैं, प्रीवियस सेशन में बताया था, प्रीवियस सेशन जरूर देखें, ठीक है, तो वहां पर मैंने आपको बताया होता है कि एक आपका होस्ट आईडी होता है, तो सेकंड आपका एक नेट आईडी होता है ना, तो यहाँ पर दो पार्ट में होते, तो जो होस्ट आईडी वाला पार्ट है वहां से हम कुछ बिट्स बोरो करके सबनेट आईडी क्रिएट करते हैं, तो ये पॉइंट बन सकता है कि किसमें से बोरो होता है, तो वो होस्ट आईडी से होता है ऑफ द आईपी एड्रेस, क्लियर है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। नाउ मैंने आप लोगों को वहां पर क्लासफुल भी बताया हुआ था, क्लासफुल आईपी एड्रेसिंग, तो उसमें से ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है कि क्लास ए जो है उसका डिफॉल्ट मास्क आपको मैंने पढ़ाया हुआ है, ये इसमें से जुड़ा हुआ था, दैट इज वाई आई हैव रिटन हियर। नाउ क्लास बी की बात करें तो दो होता है यहाँ पर, 255 255, एंड क्लास सी में 3 times होता है, क्लियर है, और क्लास डी में 4 times होता है, बट बेसिकली यही 3 पूछे जाते हैं, आप इसी पे फोकस कीजिए और बाकी पे ना जाएं, ठीक है। ना अगले पॉइंट पे आ जाते हैं, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे नंबर ऑफ होस्ट कैसे निकालते हैं व्हेन एवर वी आर सॉल्विंग सब नेटिंग। अभी क्वेश्चंस देखोगे ना तो बहुत मजा भी आएगा, पहला क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। सो यहाँ पर नंबर ऑफ होस्ट जो है कैसे निकालते हैं, 2 to the power होस्ट आई डी बिट, ठीक है, और वही नंबर ऑफ नेटवर्क्स निकालना, देखिए होस्ट निकालना हो तो 2 to the power होस्ट आई डी बिट, और नंबर ऑफ नेटवर्क निकालना हो तो कुछ भी नहीं, 2 to the power ये जो नेट आई डी बिट, ठीक है, एन स्टैंड फॉर नेट एंड एच स्टैंड फॉर होस्ट, क्लियर है। या यू कैन से कॉम्प्लेक्सिटी वो डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे इंक्रीज हो सकती है, हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था शायद, एक बार जरूर आप है ना प्रीवियस टू प्रीवियस सेशन जरूर देखिएगा, शायद आप प्लेलिस्ट में जाके, तो वहां पर कॉम्प्लेक्सिटी के भी क्वेश्चंस मैंने बताए हैं, कल ही बताए इवन, ठीक है, ओके।
ओके चलिए नाउ आगे आ जाते हैं अब अगले वाले पे। हाँ अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे अगला पॉइंट नंबर ऑफ होस्ट। नंबर ऑफ होस्ट यहाँ पर एक और पॉइंट पे बात की गई है, जब यहाँ पर लिखा हुआ है 2^n-2। ये हमने लास्ट टू लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था कि यहाँ पर माइनस टू क्यों कर रहे हैं। तो जितने भी होस्ट आईडी बिट होता है वो 1 को रिप्रेजेंट करता है, और जितने भी होस्ट आईडी बिट होता है यहाँ पर 0 को भी रिप्रेजेंट करता है। दो तरीके से रिप्रेजेंटेशन होता है, 1 और 0। ना जब 1 से रिप्रेजेंटेशन हो रहा है तो ये आपका नेटवर्क आईडी के लिए हो रहा है, वही अगर 0 से रिप्रेजेंट हो रहा है तो ये यहाँ पर ब्रॉडकास्ट के लिए एड्रेस को हम यूज़ करें, और दोनों के दोनों को रिजर्व किया जाता है। और रिजर्व हो गया तो वो यूज़ में नहीं लेकर आएंगे, दैट इज़ वाई इन दोनों को हमने यहाँ पर सब्ट्रैक्ट किया हुआ है। क्लियर है ना? अब अगले पॉइंट पे यहाँ पर आ जाते हैं। तो ये चार चीज़ें जो मैंने यहाँ पे लिखी हैं इसको आप बिल्कुल ध्यान में ले लीजिए, क्योंकि इसका कहते हैं 1 का काउंट बहुत पूछा जाता है, 1 कॉम्प्लीमेंट बहुत पूछा जाता है। तो काइंडली फोकस हेयर, अभी कान पकड़ना चोरी करना ये सारी बातें अभी छोड़ दीजिए, SRP पे कम से कम फोकस किया कीजिए, फिर बाद में मत बोलिएगा रिपीट कीजिए, ठीक है। सो देखिए यहाँ पर 255 है, ये बार बार रिपीट होगा आगे, ठीक है, क्वेश्चन में, तो अभी याद कर लो काम आसान हो जाएगा। जब आप 255 का बाइनरी नंबर कन्वर्जन करोगे तो वहाँ पर 1 का काउंट 8 आएगा। अब याद कैसे करोगे, तो याद रखना 55 को प्लस करते हो 10 होता है, 10 में से 2 गया तो क्या बचेगा, 8 बचेगा। तो इस तरीके से याद कर लो, इससे है ना थोड़ा थोड़ा आपको याद रहेगा। देखिए एग्जैक्टली बहुत अच्छा ट्रिक नहीं है, लेकिन हाँ हम कभी कभी ऐसे ट्रिक्स से अपना काम सॉल्व कर सकते हैं। और डेफिनेटली अगर 255 का याद हो गया तो 254 का याद नहीं हो जाएगा क्या, एक कम होगा, है ना। नाउ 128 की बात करें तो उसमें सिर्फ एक ही 1 होता है, दैट इज व्हाई आई हैव रिटन हियर ओनली 1, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर देख सकते हो 128 में 1 आ रहा है, तो इसका 1 याद रखिएगा, सिर्फ एक ही 1 आता है। 240 में 4 1 आते हैं, तो देखिए 240 में 4 आ रहा है तो ऑटोमेटिकली 4 1 आते हैं। सो यहाँ पर आपको इन चारों को याद करना बहुत ज़रूरी है, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। क्लियर है? हाँ जी शगुफ्ता एब्सोल्युटली करेक्ट, लास्ट सेशन आपने अटेंड किया है इसका मतलब, बहुत ध्यान से। श्वेता भी बिल्कुल सही कह रही है। चलिए तो यहाँ पर सभी पॉइंट्स क्लियर हैं, तो अब हम आ जाए यहाँ पर आपके कह सकते हैं प्रॉब्लम, प्रैक्टिस प्रॉब्लम पे। नाउ आपका यहाँ पर काम क्या है, ये SRP आपको बनाना है, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। डायग्राम भी आप बनाइएगा ताकि आपके माइंड में कहीं ना कहीं होल्ड हो जाए, डिफिकल्ट नहीं है ये, मैंने खुद हाथ से मतलब खुद यहाँ पर लैपटॉप में बनाया, तो हैंड रिटन बनाना तो मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। नाउ अगले पॉइंट पे आ जाते हैं। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 कि SRP बनाना है। देखिए आप लोग पता है क्वेश्चन कंप्लीट करके नहीं देते हो, इससे फिर प्रॉब्लम होती है बाद में। अंकित क्या क्लियर नहीं हुआ इसमें, तो क्लियर करने वाली कोई चीज ही नहीं थी। नंबर ऑफ होस्ट, देखिए यहां पर नंबर ऑफ होस्ट हो गया आपका, ठीक है। नंबर ऑफ होस्ट निकालने का एक तो ये वाला तरीका है आपका, और यहाँ पर बात की जा रही है, ये हमने जब सबनेट मास्क वाला किया था वहाँ पर हमने इस फॉर्मूले को यूज़ किया था, और यहाँ पर अभी हम सबनेटिंग करेंगे तो हम इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। देखिए कन्फ्यूज मत होइए, एक बात याद रखिएगा, ठीक है, ये आप लोगों के लिए मैं एक कहते हैं ना एडवाइस, ठीक है। जब भी आप कोई भी फॉर्मूला पढ़े ना, कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, तो उस टाइम पे उस कन्फ्यूजन को वहीं रखिए, ठीक है। कन्फ्यूजन तो होगी, है ना, डिफिकल्ट टॉपिक होता है तो कन्फ्यूजन तो होती है। जब ऐसा कॉन्सेप्ट आए तो कॉन्सेप्ट को एक बार ओवरव्यू लीजिए, जैसे मैं आपको अभी यहाँ पे ओवरव्यू दे रही हूँ, ओवरव्यू के बाद डायरेक्टली आप प्रैक्टिस क्वेश्चन पे जंप कीजिए। जब आप प्रैक्टिस क्वेश्चन पे जंप करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपको वहाँ पर वो सारा का सारा फॉर्मूला कैसे रिकॉल हो रहा है वो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए ना अब ये है आपका पहला क्वेश्चन, और मैं अभी कह देती हूँ मैं रिपीट नहीं करूँगी, ठीक है। और यहाँ पर मैं आप लोगों को टाइम भी देती हूँ 1 मिनट का, ठीक है, 1 मिनट का टाइम आपको मिलता है, या फिर मुझे ये बता दीजिए क्या आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं कि नहीं। अगर नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप अगले क्वेश्चन से सॉल्व कीजिएगा। पहला वाला क्वेश्चन मैं बता दूँ, बताइए पहला वाला क्वेश्चन मैं बता दूँ,
बताइए, काइंडली कमेंट। फास्ट कमेंट, थोड़ा फास्ट किया कीजिए, आप लोगों के कमेंट्स नहीं आ रहे हैं। ओके, अब आए आपके आंसर्स। पता नहीं कैसे ये चैट बॉक्स में सारा का सारा चैट होल्ड हो जा रहा है और एक साथ बहुत सारे आ रहा है। ओके ओके ओके, सॉल्व कर रहे कई सारे लोग। चलिए, टाइम तो काफ़ी मिल गया आप लोगों को। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, हमेशा ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, आपको ये गिवन होगा आईपी एड्रेस, ठीक है। इसके रिस्पेक्ट में एक ही क्वेश्चन, लेकिन आपके 5 प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा। ये कहने को 10 प्रैक्टिस प्रॉब्लम होगी, यहाँ पर आप लगभग 25 प्लस प्रॉब्लम्स करके जाओगे सॉल्व। क्लियर है? नाउ यहां पर देखिए, देखिए अंकित, अभी मैं प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊंगी तब भी आपको समझ में आएगा। आई थिंक आपने क्लास 1 इसकी अटेंड नहीं की थी। आई विल रिक्वेस्ट, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी अंकित की, आप इसकी क्लास 1 ज़रूर देखिए। आपका ये जो डाउट है ना, मैंने हर एक क्लास को इंडिविजुअली वहाँ पे समझाया है, डेफिनेटली क्लियर होगा, ठीक है ना। यहाँ पर आपको पहला क्या पूछा गया है कि फाइंड नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट, ठीक है। नंबर ऑफ होस्ट फाइंड आउट करना है हर एक सबनेट का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि अगर क्लास ए को बिलोंग करता है तो इसका सबनेट निकालना है, नंबर ऑफ सबनेट। बी को तो सबनेट निकालना है, एंड देन ये आपका अज्यूम वाला पार्ट है। सो लेट्स प्रोसीड टू द क्वेश्चन। नाउ हमें ध्यान देना है क्या, ये है हमारे पास नंबर, यही नंबर है ना, सबसे ईजी वाला, सबसे स्टार्टिंग में लिया हमने, 255 है, ठीक है। स्टार्टिंग में 255 है और हर जगह पे 00 है। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि ये कौन से क्लास से बिलोंग करेगा। तो यहाँ पर आंसर्स, यहाँ पर ऑप्शन नहीं है भाई, वो ऑप्शंस नहीं थे, वो क्वेश्चंस थे। काइंडली फोकस, वो क्वेश्चंस थे, वो ऑप्शन नहीं थे। ओके, देखिए यहाँ पर सिर्फ 255 फर्स्ट में आ रहा है, तो ये फॉर्मेट किसका है, क्लास ए का है, ठीक है। आई होप यहाँ पर अंकित को क्लियर हो जाएगा। देखिए सिर्फ स्टार्टिंग में 255 है, अगर इस पे भी 255 होता तो ये क्लास बी होता, इस पे भी होता तो ये क्लास सी होता, बट सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग वाले पे है, दैट इज वाई इट बिलोंग्स टू क्लास ए, ठीक है। तो ये क्लास ए का हो गया। अब एक बात बताइए, क्या ये क्लास बी और क्लास सी का है? नहीं है, ठीक है, क्योंकि तीनों में जीरो है। यहाँ पर भी होना चाहिए था, यहाँ पर भी होना चाहिए था, तभी सी का होता, यहाँ पे होता तो बी का होता, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल, दैट इज वाई इट बिलोंग्स टू क्लास ए, ठीक है ना। अब यहाँ पर बात करें नंबर ऑफ नेट आईडी बिट्स, ठीक है। अभी सभी कुछ भूल जाइए, वो एसआरपी को अभी भूल जाइए, जब प्रॉब्लम आए तो उसको प्रॉब्लम के ध्यान से देखें, ठीक है। नंबर ऑफ नेट आईडी बिट्स प्लस नंबर ऑफ सबनेट आईडी बिट्स इज इक्वल टू 8। अब वो कैसे हुआ, ये भी समझने वाली बात है ना। तो देखिए यहाँ पर ध्यान आपको ये देना है, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था वहाँ पर क्लास ए में कितना आपके पास नेटवर्क आईडी के पास होता है, कितना आपके होस्ट आईडी के पास होता है। तो देखिए होस्ट आईडी की बात कर लें और नेटवर्क आईडी की बात कर लें, तो वहाँ पे कितना था होस्ट आईडी पे, है ना, हमें तो होस्ट यहाँ पर नेटवर्क एंड होस्ट के, तो यहाँ पर आपका 24 होता है और यहाँ पर 8 होता है, ऐसा ही होता था। तो नेटवर्क आईडी के पास तो 8 ही है ना, पॉइंट को समझिएगा, 8 ही है। तो ये हो गया इन दोनों का एडिशन, इस पॉइंट को याद रखिएगा, नंबर ऑफ नेट आईडी प्लस नंबर ऑफ सबनेट आईडी, दोनों का एडिशन 8 है यहाँ पर। तो ऑब्वियस ही बात है 32 में से अगर मैं 8 माइनस करूँगी तो 24 बचेगा, एंड दिस विल बी योर काउंट ऑफ होस्ट आईडी, है ना, ये आपका होस्ट आईडी का बचेगा। तो होस्ट आईडी का बिट कितना हो गया, 24 हो गया, सारे पॉइंट्स मैंने वहाँ पे समझाए थे, ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट हमसे पूछा था, नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट कितना निकलेगा, तो ऑब्वियसली बात है 2 to the power 24 होगा। मैंने वहाँ पे बताया था 2 माइनस करेंगे, आज भी बताया, उस दिन भी बताया था, ठीक है। काइंडली वॉच द प्रीवियस वन सेशन, ठीक है, दैट इज वाई हमारे पास पहला वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर तो आ गया है। नाउ नेक्स्ट वन, इफ
गिवन सबनेट मास्क बिलोंग टू ए, क्योंकि ए से बिलोंग करो पूछा था, देन सब नंबर ऑफ नेट आईडी बिट कितना होगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ नेट आईडी बिट की बात कर ले हम यहाँ पर, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आप देख सकते हैं 8n। ठीक है, नेट आईडी मैंने आप लोगों को बताया था कि होस्ट जब आपका 24 है तो नेट वाला हमने ए वाले में कितना रखा था 8, तो 8 तो है। नाउ हियर वी हैव टू फाइंड आउट नंबर ऑफ सब नेट आईडी, यही तो पूछा है। तो ये वाला इक्वेशन जो है ना, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। जब नेट आईडी है, नेट आईडी की वैल्यू 8 है, हमने इसको फाइंड आउट करना है, तो ऑब्वियसली बात है ये लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, जीरो बचेगा। सो जीरो विल बी योर सब नेट आईडी हियर। ठीक है, और जब जीरो यहाँ पर है, ठीक है, वो सिर्फ वहाँ पर जीरो निकला, बट एक्चुअली जो नंबर ऑफ सब नेट आईडी है वो कितना होगा, 2 to the power 0, दैट इज 1। क्लियर, क्लियर है ना। अब अगले पे यहाँ पर आ जाते हैं, थर्ड क्वेश्चन एंड फोर्थ क्वेश्चन। तो इसको आपको पढ़ने की इतनी ज़रूरत नहीं है, सिंपल है। मैंने आपसे कहा था ये क्लास बी एंड सी को बिलोंग नहीं कर रहे हैं, दैट इज़ वाई यहाँ पर इनकी वैल्यू बनेगी नहीं, नॉट डिफाइंड होगी। ठीक है ना, अगले पे आ जाते हैं। फर्स्ट 10 बिट्स ऑफ द सबनेट मास्क आर नॉट कम्प्लीटली फिल्ड विद 1। अब एक पॉइंट यहाँ पर याद रखिएगा, ये वाला पॉइंट जरूर समझिएगा, क्योंकि अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों को सॉल्व करने के लिए देने वाली हूँ। ठीक है, सो बहुत ध्यान से समझिएगा, मैं सारे पॉइंट्स यहाँ पे इसलिए क्लियर कर रही हूँ। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था कि नंबर ऑफ सबनेट इफ टोटल 10 बिट्स आर यूज फॉर द ग्लोबल नेटवर्क आईडी, तो नंबर ऑफ सबनेट कितना होगा अगर हम ग्लोबल नेटवर्क आईडी के लिए 10 का यूज करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमारे पास कितना निकल कर आ रहा था, नेटवर्क आईडी की बात करें तो 8 निकल कर आ रहा था, अभी हमने यहाँ पे निकाला था, और यहाँ पर क्या कह रहे, 10 होना चाहिए। जब मेरे पास 8 ही है और रिक्वायरमेंट 10 की हो रही है ना, जब मेरे पास 8 ही है रिक्वायरमेंट 10 की हो रही है, तो हम यहाँ पर गिवन जो गिवन सबनेट मास्क है वहाँ पर हम 10 बिट्स का यूज़ नहीं कर सकते। मतलब वैल्यू के जितना मेरे पास है उससे कम में होता, अगर 7 होता तो यहाँ पर ये वर्क कर जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, दैट इज वाई इसको भी हम नहीं फाइंड आउट कर सकते। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और हियर वी हैव फाइंड आउट पार्ट 1 एंड पार्ट 2। बताइए जरा क्या प्रॉब्लम आ रही है। स्वाति जैन, आप फेसबुक ग्रुप पे हैं, आप फेसबुक ग्रुप के पोस्ट पे भी जाकर देख सकती हैं, सेशन मिल जाएगा आपको। साथ ही के साथ आप सब्सक्राइब कर चुकी होंगी चैनल को, तो उसकी प्लेलिस्ट पे जाइए, वहां पर भी मिल जाएगा। ठीक है, हाँ जी, कमेंट नहीं आ रहा है किसी का, ओके। नेहा देखिए, यहाँ पर 8 - 8 इसलिए होगा क्योंकि देखिए नंबर ऑफ नेट आईडी बिट्स, ठीक है, नंबर ऑफ नेट आईडी बिट्स की बात करें तो ये हमारे पास कितना है, यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ 8 है। ठीक है, 8 क्यों होगा, मैंने आपको बताया था क्लास 1 में, आप लोगों ने देखा होगा कि क्लास ए जो होता है, यहाँ पर भी तो मैं बता ही रही हूँ आप लोगों को। ठीक है, ध्यान देंगे तभी समझ में आएगा, अब आप कमेंट पे फोकस करेंगे तो कभी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, क्लास ए की बात कर ले तो यहाँ पर अगर हम दो से ऑक्टेट में बांटा जाता है, बताया था मैंने आपको, एक नेट में बांटा जाता है और एक आपका होस्ट पे बांटा जाता है। होस्ट की बात करें यहाँ पर तो आप देख सकते हैं होस्ट बिट आपका कितना है, 24 है, और ये आपका 8 है, टोटल आपका 32 होता है। इस तरीके से हम इसको यहाँ पर डिवाइड करते हैं, तो 8 इसका निकल कर आ गया वैसे ही, और यहाँ पर ऑलरेडी 8 है, तो 8 - 8 करेंगे तभी तो सबनेट आईडी बिट आएगा। ठीक है, चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। देखिए मैं आप लोग को एक ही बात कहना चाहूँगी, देखिए लाइव आप लोग आए हैं, है ना, मैं वही क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, बट आप लोगों का फोकस है ना इधर उधर रहेगा तो काम नहीं बन पाएगा। सो काइंडली फोकस जब भी मैं आप लोगों को समझाया करूँ, क्योंकि इतने लंबे लंबे क्वेश्चन को रिपीट करना आप खुद ही सोचिए पॉसिबल है, नहीं है ना। तो अगर थोड़ा बहुत भी कोई डाउट होगा तो बिल्कुल सेशन जैसे ही स्ट्रीम आउट हो जाए तो आप लोग इसका रिपीट देख लिया कीजिए। कल भी आप लोगों ने देखा होगा 1.5 घंटे की क्लास हो गई थी क्योंकि क्वेश्चन रिपीट करने लग गए थे, है ना। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस आपका ये नेट जो आईपी एड्रेस है वो चेंज है। सो हियर यू हैव टू फाइंड आउट, ये पांचों के पांचों आपको फाइंड आउट करना है, क्लियर है। संध्या ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया 8 क्यों माइनस करना पड़ा,
ये सभी के आंसर्स आने चाहिए। सुशील वहां पे 8 - 8 इज इक्वल टू 0 होगा। यहाँ पर ये ऑप्शंस नहीं है, कंफर्म मैं बार बार कर रही हूँ आप लोगों को। यह पांचों के पांचों इस क्वेश्चन के पार्ट है जो आपको निकालने हैं। पहले आप लोग सॉल्व कीजिए, फिर मैं आपको सॉल्यूशन में सारे सब कुछ बताऊंगी। आप पहले यहाँ पे सॉल्व करके आंसर भेजिए। यस प्रमोद आप प्लीज़ सेशन को देख लीजिएगा, दोबारा रिपीट करना पॉसिबल नहीं क्योंकि मैं 3 times उस पॉइंट को रिपीट कर चुकी हूँ। सो काइंडली अंडरस्टैंड। यस चलिए, काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पर आंसर्स भेजे हैं, दैट्स अमेजिंग। अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रही हूँ, तो मैं यही चाहूँगी कि आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, है ना। यस प्रमोद, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, सेशन स्ट्रीम आउट होगा, ये पूरा सेशन आप लोगों का ही, आप इसको कितनी भी बारी देख सकते हो, किसी भी पॉइंट पे प्रॉब्लम है आप वहां पर जाकर इसको देख सकते हो, क्योंकि हर एक पॉइंट मैंने यहाँ पे क्लियर किया हुआ है। चलिए ठीक है, अब मैं इसको बताने जा रही हूँ। हमारे पास यही है नंबर, है ना, यही हमारा आईपी एड्रेस है, ध्यान दीजिएगा अब जरा, ठीक है। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है कि प्रीवियस क्वेश्चन की ही तरह यहाँ पर 255 है, क्या यहाँ पर कहीं पर भी है 255? नहीं है ना, तो यहाँ से पॉइंट क्लियर हो जाता है कि ये क्लास ए से बिलोंग करता है। क्लियर, ये पॉइंट अपने बस निकल गया। नाउ अब हम यहाँ पर आ जाते हैं जरा, नंबर ऑफ नेट आईडी बिट्स प्लस नंबर ऑफ सबनेट आईडी बिट्स, ठीक है, इस पे आ जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए जरा, सिंपल है, ठीक है। यहाँ जब हम 255 का, मैंने स्टार्टिंग में आपको याद कराया था, 255 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर कितने वन होंगे, जितने वन होते हैं ना उसी को हम वहाँ पर लिखते हैं। अभी आप लोगों को और भी पॉइंट क्लियर होगा, ठीक है। कितने वन आ रहे थे, एट वंस आ रहे थे, अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे ना तो 8 ones आएंगे। वही मैंने आपको फर्स्ट वाले ही में याद कराया था, 128 में कितने वन आएंगे, केवल एक ही वन आएगा, ठीक है। इसको ऐड करोगे तो 9 होगा, तो यहाँ पर नंबर ऑफ नेट आईडी बिट, नंबर ऑफ सबनेट आईडी बिट विल बी 9। क्लियर, ध्यान से समझोगे, ध्यान से समझ में आएगा, थोड़ा सा भी वॉयलेट होगे कुछ समझ में नहीं आएगा। नाउ नंबर ऑफ होस्ट आईडी कितना होगा, जरा ध्यान दीजिए, तो 32 टोटल होता है ना, उसमें से 9 माइनस कर दो, 23 आएगा। दिस विल बी योर नंबर ऑफ होस्ट आईडी बिट्स। क्लियर ना। अब पार्ट वन को हम सॉल्व करेंगे। पार्ट वन में क्या पूछा था, ध्यान दीजिए, फाइंड द नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट, यही पूछा था। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपल, हमारे पास होस्ट आईडी बिट इतना आया, तो 2 to the power 23 - 2। जब भी आपसे होस्ट का पूछा जाए माइनस टू होगा, ये मैंने उस दिन भी बताया था। क्लियर है ना, ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब यहाँ पर ए वाले क्लास से तो बिलोंग करता ही करता है ये, ठीक है। और ए वाले क्लास की बात करें तो वहां पर होस्ट आईडी और नेट आईडी की बात करें तो कितना होता है, प्रीवियस क्वेश्चन में ही बताया था, 8 होता है, 8 होता है ना, और यहाँ पर 8 है, मतलब कि हमारे पास नेट आईडी बिट कितना है, 8 है। ये हमें फाइंड आउट करना है, ये जाएगा लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड, माइनस होगा, इट विल बिकम 1। क्लियर है, आई होप आप सबका क्लियर और भी ज्यादा होता जा रहा होगा ना। अब यहाँ पे 1 निकल के आया है, तो नंबर ऑफ सबनेट क्या होगा, 2 to the power 1, दैट मींस कि 2। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। अगेन क्योंकि क्लास बी एंड क्लास सी से नहीं बिलोंग करता है, दैट इज वाई हम इसको कैंसिल आउट कर देंगे। एंड यहाँ पर भी अगेन पूछा कि 9 बिट्स
अगर हम 10 बिट्स की बात करें प्रीवियस वाले क्वेश्चन की तरह, अगेन 9 है अपने पास, ठीक है, और 10 हमसे रिक्वायर कर रहा है, क्या हम इतना अफोर्ड कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, दैट इज वाई ये भी आपका नहीं निकल पाएगा. क्लियर है? इज इट क्लियर टू एवरी वन और नॉट? होस्ट में सिर्फ क्लास ए में ही माइनस टू होगा ना, माइनस टू होगा क्लास ए में. हाँ, क्लास ए में ही होगा, बिल्कुल सही कह रहे संदीप, बिल्कुल. रोहिणी अभी तो बताया आपको. पॉइंट टू में कुछ भी नहीं. चले ठीक है, एक बार और ध्यान से देखिएगा. पॉइंट टू में क्या है कि नंबर ऑफ नेट आईडी. आप लोगों को पहले मुझे ये बताइए, क्या ऑक्टेट्स के बारे में नॉलेज है? ऑक्टेट्स के बारे में नॉलेज है आप लोगों को? कोई भी सबनेटिंग होता है तो वहाँ पर दो ऑक्टेट्स बनते हैं, एक आपका नेटवर्क का आईडी बनता है, एक दूसरा जो आपका बनता है वो होस्ट का बनता है. देखिए सेशन आप लोग सारे अटेंड नहीं करते हो इसलिए परेशान हो रहे हो, जिन्होंने पहले अटेंड किया हुआ है उनको कोई दिक्कत नहीं आ रही है. जब क्लास ए की बात करें तो देखिए टोटल जो होता है ना सबनेट वो 32 बिट का होता है, बट हम ऑक्टेट क्योंकि यहाँ पर सब में बट रहा है ना, आधे आधे में बट रहा है, सो इसीलिए अगर आप लोग उस सेशन को देखेंगे तो वहाँ पर नेट आईडी आपकी 8 होगी और ये 24 होगा, तो वहाँ से आया ये 8. ठीक है, हमसे मांगा क्या है? हमसे मांगा है कि नंबर ऑफ सबनेट आईडी. हमारे पास ये है इक्वेशन, यहाँ पर ये 9 है, मुझे नेट आईडी में माइनस कर दूंगी तो क्या मेरे पास सबनेट आईडी नहीं आएगा? नेट आईडी की वैल्यू क्या 8 है, इसको सब्ट्रैक्ट किया तो 1 आएगा कि नहीं आएगा? दिस इज द पॉइंट. क्लियर है? तो बस यही आपको यहाँ पर समझना है. चलो अगले क्वेश्चन पे आते. दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3. इसके बारे में बताइएगा जरा. इफ द सबनेट मास्क दिस, ठीक है, दिस इज योर सबनेट मास्क, belongs to class C, find number of subnet, this is your first point, and number of host in each subnet. Thank you JP. इसलिए तो मैं कह रही थी थोड़ा सा patience रखिए, one by one जब same तरीके question solve करेंगे ना तो automatically आपको समझ में आना ही आना है. Yes, इसका answer जरा find out करके बताइएगा कि अगर ये क्लास सी से बिलोंग करता है देन फाइंड द नंबर ऑफ सबनेट्स, एंड द सेकंड वन फाइंड द नंबर ऑफ होस्ट इन ईच सबनेट. ओके, और नेट वाले जो स्टूडेंट है यूजीसी नेट वाले, मैं यही कहना चाहूंगी कि गाइस कोशिश करो, 9 PM एक ऐसा टाइम है एंड 7 PM एक ऐसा टाइम है जब आप अपने ऑफिस से भी फ्री हो जाते हो और सारे के सारे काम से फ्री हो सकते हो. आपके पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए ही हमने यहाँ पर इसको अरेंज करवाया है, ठीक है. तो कोशिश करो लाइव आके क्लासेस देखो तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हो रही है वो नहीं होंगी. चलिए ठीक है, आ जाते इसके सोल्यूशन पे. ज़रा ध्यान दीजिएगा, मैं रिपीट नहीं करूंगी इसलिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है. देखिए यहाँ पर यही था अपने पास मास्क, ठीक है, यही था हमारे पास ये आईपी एड्रेस. नाउ डेफिनेटली ये क्लास सी से बिलोंग करता है, तीनों में जा रहा है और तीनों में जा रहा है, दैट इज वाई ये क्लास सी से तो बिलोंग करता ही करता है. नाउ 255, अगेन मैं आपको रिमाइंड कराना चाहूंगी, इसमें 1 कितने याद कराए थे, 5 + 5 = 10, 10 - 2 = 8, 8 1 विल बी देयर. सो here 8 एंड here 8 कितना हो गया, ऑब्वियस बात है 24 हो गए ना, सॉरी 24 हो गए. और यहाँ पर 128 का भी याद करा था, 1 है 128 में तो इसमें एक ही होगा 1, ठीक है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ठीक है. सो आपका हो गया 1, दैट इज 25, ये निकल कर आया यहाँ पर, ठीक है. सेम फॉर्मूला, नंबर ऑफ नेट आई डी बिट्स प्लस नंबर ऑफ सबनेट आई डी बिट्स हमने इस तरीके से निकाल लिया. ना क्योंकि ये क्लास सी से बिलोंग करता है, क्लास सी में क्या हो रहा था, हाँ, तो हमने वहाँ पर याद किया था अभी प्रीवियस क्वेश्चन में ही बताया था नेट और होस्ट होता है ना, तो यहाँ पर वही पॉइंट है. तो यहाँ पर पहले तो इसको याद कीजिए कि 32 में से 25 गया तो 7 बचा, दिस 7 विल बी योर नंबर ऑफ होस्ट आईडी. क्लियर है? ना
अब यहाँ पर जो पॉइंट कहा गया था कि अगर ये क्लास सी से बिलोंग करता है, क्योंकि ये करता है बिलोंग, सो नंबर ऑफ नेट आईडी बिट्स, ठीक है, तो जो आपका नंबर ऑफ नेट आईडी बिट होगा वो 24 हो जाएगा। 24 कैसे हो जाए, देखिए 24 यहाँ पर इसलिए हो जाएगा, मैंने आपको बताया था नेट और होस्ट आईडी की बात, तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे क्लास ए की बात कर ले, बी की बात करें, सी की बात करें, तो आप उस लेसन में देखिएगा, तो नेट का 24 होता है और ये आपका 8 होता है, क्लियर है। स्टार्टिंग में ये 8 होता है, ये आपका 24 होता है, बी वाले में 16 होता है, एंड देन ये आपका इस तरीके से बनता है, दीज आर द आईडी, क्लियर है। ये बिट, ये पॉइंट्स आपको याद रखना है ना। अब यहाँ पर ये 24 आ गया है, नाउ अगेन वी कैन फाइंड आउट सबनेट, है ना, सबनेट फाइंड आउट कर सकते हैं, माइनस करके 25 माइनस 24 बिकम्स 1, सो नंबर ऑफ सबनेट्स ये 2 टू द पावर 1 इज इक्वल टू 2, और आप देख सकते हैं इसमें से मैंने माइनस 2 यहाँ पर देख सकते हैं, ये वाला जो है आपका नंबर ऑफ सबनेट निकल कर आ गया, जो हमसे क्वेश्चन नंबर 1 पूछा था इसमें, और क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर बात कर लें, तो सिंस नंबर ऑफ होस्ट आईडी बिट्स, ठीक है, नंबर ऑफ होस्ट आईडी बिट्स की अगर हम यहाँ पर बात कर लें, ये हमारे पास निकल कर जो आया था, तो उसके रिगार्डिंग पे बात करें तो नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट भी निकल कर आएगा 2 टू द पावर 7 माइनस 2, क्योंकि यहाँ पर भी आपके दो जो बिट्स होते हैं वो रिजर्व होते हैं, ठीक है, दो बिट्स आपके रिजर्व होते हैं, दैट इज वाई हम इसमें से माइनस करेंगे, ये पॉइंट्स क्लियर रखेंगे, ठीक है। सो अब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास 126 विल बी द करेक्ट आंसर, क्लियर है, यस एब्सोल्युटली करेक्ट जेपी, लूप बैक और ब्रॉडकास्ट के लिए बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट, देखिए रेगुलर स्टूडेंट्स हैं तो आंसर आराम से दे पा रहे हैं, क्लियर। नाउ दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 4, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है, दैट इज वाई मैं आपको जल्दी जल्दी करवा रही हूँ, वेरी गुड आशीष आपका सही था। नाउ इस क्वेश्चन का आंसर जरा दीजिएगा, अगेन मेरे को पता है आप लोग आराम से कर पाओगे, यहाँ पर अगेन ये सारे के सारे सब पार्ट है क्वेश्चन के, तो इन सभी के आंसर्स आपने देने हैं, 1 मिनट का टाइम दे पाऊंगी मैं, क्योंकि अब आप लोग बिल्कुल प्रो हो चुके होंगे और आराम से क्वेश्चन को सॉल्व भी कर पाएंगे। यस फर्स्ट चलिए ठीक है, अब टाइम ओवर हो चुका है, 1 मिनट का टाइम ओवर हो चुका है, वेरी गुड जिन लोगों ने ट्राई किया है। अब मैं यही कहूँगी काइंडली वॉच द डिटेल एनालिसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, क्योंकि मैं रिपीट नहीं कर पाऊँगी टाइम की कमी के कारण, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं, ज़रा ये नंबर ले लेते हैं, बिल्कुल प्रीवियस टू प्रीवियस क्वेश्चन जैसे मैंने डिस्कस किए तो वैसा ही है, क्या ये क्लास ए और बी सी तीनों से बिलोंग करता है, तो देखिए ये क्लास ए से बिलोंग करता है, ये क्लास बी से भी बिलोंग कर रहा है, क्लियर है ना, ये क्लास सी से बिलोंग नहीं कर रहा, अगर ये 255 होता तो बिलोंग करता, बट नहीं है, सो ये सिर्फ और सिर्फ क्लास ए एंड क्लास बी से बिलोंग कर रहा है, क्लियर ना। आ जाते हैं नंबर ऑफ नेट आईडी बिट्स एंड नंबर ऑफ सब नेट आईडी बिट्स, ठीक है। सो अगेन आप यहाँ पर देख सकते हैं 255 का 8 होगा वंस, 255 का 8 होगा वंस, एंड 254 का कितना वंस होगा, है ना, 7 होगा, याद करवाया था, सो आपके पास कितना आएगा, 23 आएगा। नाउ 32 में से 23 माइनस करोगे यू विल गेट 9, सो 9 विल बी योर नंबर ऑफ होस्ट आईडी, ठीक है। सो नंबर ऑफ होस्ट आईडी पहला आंसर आपका आ गया 9। नाउ यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ होस्ट आईडी पर सबनेट निकालने के लिए वही करेंगे 2 टू द पावर 9 माइनस 2, क्लियर ना। इफ गिवन सबनेट बिलोंग्स टू क्लास ए, क्योंकि ये क्लास ए से बिलोंग करता है, क्लास ए का नेट आईडी तो अब तक आप लोगों को याद हो गया होगा, दैट इज 8, ठीक है ना। अब वही हम इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे, 23 में से 8 गया तो 15, नंबर ऑफ सबनेट आईडी बिट्स कितना हो जाएगा 15, बस 2 टू द पावर 15 विल बी योर करेक्ट आंसर फॉर नंबर ऑफ सबनेट्स। नाउ 3 पॉइंट पे आते, क्योंकि आप तो यहाँ पर भी अग्री करेगा, है ना, और मैंने आपको बी का बताया था कि नंबर ऑफ नेट आईडी नंबर ऑफ होस्ट आईडी 16 एंड 16 होते हैं, वही पॉइंट है यहाँ पर, नंबर ऑफ नेट आईडी बिट्स कितने होते हैं 16 होते हैं,
तो वही इस वाले इक्वेशन में आप सब्सटीट्यूट करेंगे, 23 माइनस 16 करोगे तो 7 आपके पास निकल कर आएगा. सो हियर नंबर ऑफ सबनेट्स विल बी 2 to the power 7. क्लियर? नाउ अगले पे आ जाते हैं. तो यहाँ पर डेफिनेटली क्लास सी से बिलोंग कर नहीं रहा है, सो ये आपका तो आंसर यहाँ पर नॉट डिफाइंड हो जाएगा. नाउ यहाँ पर आ जाते हैं. अगर जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि नंबर ऑफ सबनेट इफ टोटल 10 बिट्स आर यूज, अगर 10 बिट्स का यूज करेंगे तो नंबर ऑफ सबनेट कितना होगा. भाई मेरे पास कितना है अभी, पिछले दोनों क्वेश्चंस में बड़ी गरीबी चल रही थी, 8 था और 9 था, है ना, तो काम तो बन नहीं पा रहा था. बट हियर वी आर हैविंग 23, तो भाई 10 की रिक्वायरमेंट है, तो यस मैं 23 में से 10 का यूज कर सकती हूँ. सो वही है, 23 में से 10 जितना है ना उसको माइनस कर दीजिए, ठीक है, 13 बचा, तो नंबर ऑफ सबनेट विल बी 2 to the power 13. क्लियर? सभी को क्लियर है? सो दिस इज द बेस्ट वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 5 हियर, जल्दी से सॉल्व कीजिएगा और यहां पर भी कुछ नया सीखने को मिलेगा आप लोगों को. 1 मिनट में आप लोगों को देती हूँ. ये भी बहुत ज्यादा है क्योंकि अब तक हम इस तरीके के 4 क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. सो यहाँ पर मैं चाहूंगी कि सभी लोगों के आंसर्स आए. बहुत इजी क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट, देन नंबर ऑफ होस्ट सबनेट निकालना है जब वो क्लास ए को बिलोंग करता है तो, क्लास बी को बिलोंग करता है तो, सी को बिलोंग करता है तो, और अगेन अगर मैं 10 बिट्स का यूज करूँ तो फिर सब नंबर ऑफ सबनेट कितना होगा. ओके नेहा, अब तो आ गया ना समझ. यस, आंसर्स बहुत कम लोगों के आ रहे हैं. थैंक यू नेहा. चलिए अब आ जाते हैं इसके सोल्यूशन पे. सो मैं यही चाहूंगी कि अब आप लोग बिल्कुल बंद कर दें, पेन और पेपर रख दें, या फिर अपना दिमाग अगर आप इस क्वेश्चन में लगा रहे हो तो अभी रुक जाएं और इसके सोल्यूशन को देखें क्योंकि रिपीट नहीं हो पाएगा. सो चलिए आ जाते हैं यहाँ पर. तो देखिए ये क्लास ए को बिलोंग कर रहा है, एब्सोल्युटली कर रहा है. ये क्लास बी को बिलोंग कर रहा है, एब्सोल्युटली कर रहा है. और अगेन यहाँ पे देखिए फर्स्ट टाइम क्लास सी को भी ये बिलोंग कर रहा है. सो ये क्लास ए बी और सी तीनों के केसेस को फॉलो करेगा. क्लियर है ना? अब यहाँ पर आ जाते हैं नंबर ऑफ वंस की. तो एक बार 8 हो जाएगा, इधर भी 8 हो जाएगा और इधर भी हो जाएगा. नाउ 224 का क्या होगा? ठीक है, 224 में आप देख सकते हैं 3 आ रहा है. ठीक है, यह मैंने इसका बाइंड यहाँ पर निकाला हुआ है, आपको भी निकालना पड़ सकता है या फिर आप चाहें तो कुछ नंबर्स के याद कर लीजिए. सो यहाँ पर 3 हो गया तो कितने बन गए, 27 बन गए. तो नंबर ऑफ नेट आईडी बिट्स प्लस नंबर ऑफ सबनेट आईडी बिट्स बिकम्स 27. नाउ यू हैव टू जस्ट फाइंड आउट होस्ट आईडी बिट्स कितने होंगे. तो 32 में से 27 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, यू विल गेट 5. ठीक है, तो नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट विल बिकम 2 to the power 5 minus 2. क्लियर है? नाउ ये क्लास ए को तो बिलोंग कर ही रहा है. क्लास ए में नेट आईडी बिट कितनी होती है, 8 होती है. सो बस 8 को माइनस कर देंगे 27 से, इट विल बिकम 19. सो नंबर ऑफ सबनेट्स कितना निकल कर आएगा, 2 to the power 19. क्लियर है? नाउ क्योंकि ये क्लास बी को भी बिलोंग कर रहा है, क्लास बी में मैंने आपको बताया नेट आईडी बिट्स कितने होते हैं, 16 होते हैं. हियर वी हैव टू माइनस 27 में से 16 एंड वी विल गेट 11. सो हियर नंबर ऑफ सबनेट्स विल बी 2 to the power 11. क्लियर? और क्योंकि इस बार फर्स्ट टाइम क्लास सी पे भी ये बिलोंग कर रहा है और क्लास सी पे कितना होता है नंबर ऑफ नेट आईडी, 24. सो 27 माइनस 24 बिकम्स 3. सो नंबर ऑफ सबनेट्स हियर 2 to the power 3, दैट इज 8. क्लियर है? नाउ अगेन यहाँ पर बहुत अमीरी है क्योंकि 27 है अपने पास और 27 में से 10 खर्च कर भी दिए तो क्या प्रॉब्लम आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. बचे क्या, 17. सो नंबर ऑफ सबनेट्स हियर व्हेन वी विल गोइंग टू यूज 10 बिट्स, ठीक है, यूज फॉर द नेट आईडी पार्ट,
देन यहाँ पे क्या होगा, 2 to the power 17 विल बी योर करेक्ट आंसर। तो गाइज एक बात बताइए, मजा आ रहा है कि नहीं सेशन में, सेशन में मजा आ रहा है कि नहीं? तो अभी तक अभी आप लोगों ने लाइक बटन नहीं प्रेस किया है तो सभी लोग लाइक बटन जरूर प्रेस करें एंड मेक श्योर शेयर जरूर करें, ठीक है? चलिए चलिए आशीष, माइंड से सब क्लियर हो गया या माइंड में सब समझ में आ गया? लेट मी क्लियर। चलिए नाउ दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। सपोज अ नेटवर्क विद आईपी एड्रेस दिस, ठीक है, ये आईपी एड्रेस एक नेटवर्क का इज डिवाइडेड इनटू टू सबनेट्स, ठीक है, क्योंकि सबनेट का तो काम ही है तो टू पार्ट्स में वो डिवाइड कर दिया गया है। देन हियर यू हैव टू फाइंड आउट नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट। अब नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट निकालने के लिए आपको ये सारी चीज़ें भी निकालनी ही होंगी, ठीक है? इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन मतलब आता कम, मतलब देखिए आता है लेकिन इसके काउंट्स बहुत कम आते हैं, ठीक है? तो ये ध्यान दीजिएगा, सबनेट एड्रेस फाइंड आउट करना होगा, फर्स्ट होस्ट आईडी, लास्ट होस्ट आईडी, ब्रॉडकास्ट एड्रेस। ओके मजा आ रहा है तो बिल्कुल लाइक कीजिएगा। चलिए आंसर निकालिए जरा अच्छा ये बताइए कितने लोग सॉल्व करना चाहेंगे करके बताइए, कितने लोगों को नहीं आता वो भी बताइए। क्लियर है? हाँ जी ओके ओके चलिए ठीक है। बट गाइस कमेंट सभी करो, सभी करो। चलिए अब टाइम ओवर होता है, वेरी गुड आप लोगों ने ट्राई किया, बट अब ज़रा आ जाते हैं इसके सोल्यूशन पे, ठीक है? तो काइंडली फोकस हियर। चलिए तो देखिए यहाँ पर अपने पास जो जो हमारे पास एड्रेस आईडी थी उसके बारे में बात करें, तो देखिए यहाँ पर जो आईपी एड्रेस है डेफिनेटली क्लास सी से बिलोंग करता है, मैंने आप लोगों को चार्ट प्रोवाइड किया था वहाँ से आप फोकस कर सकते हैं। सो क्लास सी से बिलोंग कर रहा है तो 24 bits आर रिजर्व फॉर द नेटवर्क आईडी, बताया था अभी भी बताया है 24 bits होंगे नेटवर्क आईडी के लिए। दैट इज वाई द नेटवर्क इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में भी कहा गया था। सो वन बिट विल हैव टू बी बोरोड फॉर द सबनेट आईडी, है ना, ये भी हमने किया है, वन बिट हम वहाँ पे बोरो करते हैं, स्टार्टिंग के पॉइंट में भी बताया था। सो हियर यू विल गेट द नंबर ऑफ बिट्स रिमेनिंग फॉर द होस्ट आईडी विल 7, क्लियर है? 7 ही यहाँ पर बचेगा, पॉइंट को समझते चलिएगा। नाउ नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट कितना बनेगा, 2 to the power 7 कहिए या फिर 128 कहिए, सो दिस विल बी योर नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट। नाउ फॉर द फर्स्ट सबनेट, ठीक है, अब यहाँ पर बात कर ले सबनेट एड्रेस कितना होगा, तो फर्स्ट आईपी एड्रेस भी फाइंड आउट करना था हमें, ठीक है, यू कैन सी द क्वेश्चन, सबनेट एड्रेस फर्स्ट सबनेट निकालने के लिए हमने ये चारों पॉइंट्स में आपको निकालना होगा। तो सबनेट एड्रेस कैसे फाइंड आउट करते हैं ध्यान दीजिएगा, ठीक है, हमारे पास कैसा है ये, इस तरीके का है, क्लियर है, इस पे हमें फोकस करना है। तो इस नंबर को हम कैसे लिखेंगे उसको ध्यान देना, ठीक है, देखिए हमेशा ये जो लास्ट, देखिए हर एक में 8-8 होता है, हर एक में 8 होते हैं, तो ये जो लास्ट वाला है ना आपका उसको 8 करके लिखना होगा आपको, ठीक है, ये इस क्वेश्चन में रिक्वायर्ड नहीं है बट क्योंकि करना है दैट इज वाई आई हैव रिटन लाइक दैट, ठीक है। फर्स्ट आईपी एड्रेस निकालने के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, फर्स्ट आईपी एड्रेस पार्ट बिल्कुल सेम जैसा था वैसा ही निकल कर आएगा, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है। बट एक पॉइंट याद रखिए, क्योंकि वन बिट हम यहाँ पर बोरो करें सबनेट आईडी के लिए, दैट इज वाई जो ये वाला जीरो है ना हर जगह पर बिल्कुल बिल्कुल कहते हैं ना स्टैटिक रहेगा। यू कैन सी यहाँ पर भी मैंने हाईलाइट किया हुआ है, यहाँ पर भी हाईलाइट किया है, यहाँ पर भी हाईलाइट किया है, तो ये पॉइंट समझिएगा, क्योंकि हम बोरो कर रहे हैं तो बिल्कुल स्टैटिक रहेगा, रिमेन कांस्टेंट रहेगा, उस पर कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, रिजर्व्ड होगा, क्लियर है?
तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट आईपी एड्रेस होगा वो एज इट इज जैसा नंबर था बिल्कुल वैसा का वैसा ही रहेगा। क्लियर है ना? फर्स्ट होस्ट आईडी निकालना होगा तब क्या करेंगे, ठीक है? तो जब फर्स्ट होस्ट आईडी हम निकालेंगे ना, तो जो आपका ये लास्ट वाला होगा ना, ये हमने पूरा का पूरा बनाया, तो जो लास्ट वाला होगा वो आपका वन बन जाएगा। क्लियर है? और जब ये वन बन गया तो इट विल बिकम वन हियर। क्लियर है? पॉइंट समझते जाइएगा, ठीक ना? लास्ट होस्ट आईडी निकालेंगे तब क्या करेंगे, तो ये जो हमारा फर्स्ट होस्ट आईडी आया था ना उसका कॉम्प्लीमेंट निकलेगा लास्ट आईडी। और एक बात याद रखिएगा, हम इस पे कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। देख सकते हैं जितना भी जीरो था वी हैव कन्वर्टेड देम इनटू वन, एंड जितने भी वन थे उसको हमने जीरो में कन्वर्ट किया। क्लियर? और जब आप इसका फाइंड आउट करोगे ना तो ये आपका किसका निकल कर आएगा, 126 का निकल कर आएगा। क्लियर है? तो आपको यहाँ पर डेसिमल में कन्वर्ट करके उसकी वैल्यू भी वहां पर डालनी है ना। ब्रॉडकास्ट एड्रेस, और हम इसको लास्ट आईपी एड्रेस भी कह सकते हैं, ठीक है? वो कैसे निकालते हैं, तो देखिए जो आपका फर्स्ट आईपी एड्रेस था ना उसी का कॉम्प्लीमेंट लास्ट आईपी एड्रेस, और यू कैन से ब्रॉडकास्ट एड्रेस निकल कर आएगा। क्लियर है पॉइंट? बताइए जरा यहाँ पर क्लियर हो गया सभी को? देखिए जितना क्वेश्चन में बताया जाता है, देखिए हर एक क्वेश्चन का केस अलग अलग होता है, ये बात मानते हो ना? जब यहाँ पर जो क्वेश्चन बताया, जरा काइंडली फोकस इट। ऐसा क्या होता है, हम टेढ़े टेढ़े दिमाग में क्वेश्चन सोचते हैं ना, तो जो हमारे सामने होता है ना वो भी समझ में नहीं आता, तो काइंडली फोकस, ठीक है? पॉइंट क्लियर हुआ है इस क्वेश्चन का? अब मैं यही सेम क्वेश्चन पे आपको एक क्वेश्चन होमवर्क पे दे रही हूँ, डेफिनेटली यू विल क्लियर ऑल योर डाउट्स, ठीक है? यहाँ पर मैं देती हूँ आपको वैल्यू, ठीक है? इसका आपको निकालना है ये सारे के सारे चीजें। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर टू, क्लियर? कौन सा आंसर सही रहेगा भाई? ये सारी चीजें निकालनी थी, ऑप्शन नहीं है, ये सारी चीजें निकालनी है, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है? ये सारी चीजें हमने निकाली हैं, यू कैन सी हियर, ये हमने निकाला, ये निकाला, ये निकाला, ये निकाला, देन वी हैव फाइंड आउट दिस वन, ठीक है? क्या पूछे होते हैं? तो यहां पे हमने टू को ही तो डिवाइड किया हुआ है, पॉइंट को समझिए जरा। चलिए नाउ दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, फाइंड आउट द करेक्ट आंसर। अब ये ऑप्शंस हैं, ये मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, दीज आर ऑप्शंस, ठीक है? इफ अ क्लास बी नेटवर्क हैज अ सबनेट मास्क ऑफ दिस, ठीक है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट? और ये आपसे गेट 2008 में पूछा गया था। और एक और बात बता दूं, ये क्वेश्चन मैंने एक बार और आपको करवा दिया है, सो आंसर बताइएगा जरा। जल्दी से आंसर आना चाहिए। यहां पर इस वाले क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड्स ही मिलेंगे आपको। चलिए तो आ जाते हैं हम इसके सोल्यूशन पे। इजी क्वेश्चन है बहुत ही, ठीक है? वो वाले मेथड से भी कर सकते हैं जो मैंने आपको प्रीवियसली बताया हुआ है, और आज हमने वंस कॉम्प्लीमेंट वाला समझा है तो उससे भी आप कर सकते हैं। देखिए ये हमने हमारे पास, ठीक है, तो ये कितना हो गया, 8+8 हो गया, ठीक है? 248 का आप निकाल लोगे, हाँ 248 का भी आप निकाल सकते हो, ठीक है? तो हमने इसका भी निकाला हुआ है, यू कैन सी योर 1 2 3 4 5, ठीक है? तो ये 5 आ गया अपने पास, तो टोटल कितने हो गए हमारे पास, ये हो गया 21, ठीक है? तो यहाँ पर नेट आईडी बिट और सबनेट आईडी बिट कितना हो जाएगा, 21 दोनों का एडिशन, और 32 में से 21 अगर हमने माइनस किया वी विल गेट 11, सो हियर वी विल गेट
नंबर ऑफ होस्ट आईडी बिट्स 11. सो यहाँ पर नंबर ऑफ होस्ट आईडी अपना 11 है, तो माइनस टू तो करेंगे, तो टू टू द पावर 11 माइनस टू, और आंसर आपके पास आएगा 2046. क्लियर है? सो बिल्कुल सही आंसर आया है. देखिए बाइनरी याद करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा बाइनरी पे, ज़्यादा आपको टाइम वहाँ पे लगाना नहीं है. नाउ दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 8. ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है. टू कंप्यूटर्स हैं जिनका नाम है C1 एंड C2, ठीक है, उनको इस तरीके से कन्फिगर किया गया. पॉइंट्स को ध्यान दीजिएगा, ठीक है. C1 हैज IP एड्रेस 203.197.2.53 और इस C1 का नेट मास्क जो है वो ये गिवन है. नाउ C2 जो है उसका IP एड्रेस ऐसा गिवन है और नेट मास्क ऐसा गिवन है. सो हियर यू हैव टू फाइंड आउट, दीज आर अगेन हियर ऑप्शंस, ठीक. तो पता करना है आपको कि C1 C2 जो है बोथ अज्यूम दे आर ऑन द सेम नेटवर्क, या फिर C2 अज्यूम C1 इज ऑन द सेम नेटवर्क बट C1 अज्यूम C2 इज ऑन द डिफरेंट नेटवर्क. सो ये आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है, ठीक है. ओके, आशीष का आंसर भी आ गया है. यस फास्ट, जिनको नहीं आता वो भी मुझे लिखकर बता दीजिए. ओके, 1AC, इस तरीके से जा रहे हैं आंसर्स. बी भी आ रहा है. चलिए अब आ जाते हैं इस सॉल्यूशन में. बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मजेदार क्वेश्चन भी है. जैसे कि यहाँ पे आशीष ने कहा कि इनके टाइम पे आ जाए तो और भी अच्छी बात है, अपने टाइम पे आ जाए. बिल्कुल ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होते हैं. देखिए कंप्यूटर वन जो है आपका, ठीक है, C1, तो यहाँ पर हमने उसका IP एड्रेस और नेट मास्क लेना है, ठीक है. तो ये दोनों चीज़ें लिए, या इसका IP एड्रेस है, ये इसका नेट मास्क है, ठीक है. अब हम इसके साथ एंड बिट ऑपरेटर अप्लाई करेंगे, क्लियर है. सो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जहाँ पर 255 होता है वहाँ पर एज इट इज़ हम वही नंबर लिख देते हैं. देखिए यहाँ पर भी है तो हमने इसको एज इट इज़ यहाँ पर लिख दिया. नाउ 128 है तो 128 और 2 इन दोनों का आपको बाइनरी निकालना होगा. निकाला हमने. अब यहाँ पर देखिए जहाँ पर इन दोनों के सेम वन आएंगे तभी वहाँ पर हम उसका नंबर लिखेंगे, बट क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी वन सेम टाइम पर नहीं आ रहा, जीरो आ रहा है, दैट इज़ वाई हेयर वैल्यू विल बी जीरो, ठीक. नाउ जहाँ पर जीरो होगा और उसके साथ में कोई नंबर होगा वो हमेशा जीरो ही बनेगा, पता है ना, जीरो के साथ तो आदमी जीरो ही हो जाता है. तो ये हो गया. सो ये यहाँ पर निकल कर आ गया, ठीक है. नाउ यहाँ पर हम देख सकते हैं C1 कंप्यूट्स द नेटवर्क एड्रेस ऑफ C2 यूजिंग IP एड्रेस ऑफ C2 एंड इट्स ओन सबनेट मास्क एज, ठीक है. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो यहाँ पर हम C2 के हिसाब से कंपेयर करेंगे, ठीक है. C1 का ये हमारे पास IP मास्क है, सॉरी नेट मास्क है, और ये आपका C1 का क्या है, एड्रेस है, ठीक है, IP एड्रेस. अब उसको कंपेयर करेंगे तभी तो पता चलेगा कि क्या मेरे नेटवर्क पे ये है कि नहीं, है ना. बिल्कुल जैसे आशीष ने भी कहा था वैसा ही है. तो यहाँ पे देखिए ये ऐसा लिखा हुआ, दैट इज़ वाई हमने इसको यहाँ पर इसी तरीके से लिख दिया. 75 एंड 128 का निकालेंगे, यू कैन सी हियर, ठीक है. अगेन यहाँ पे जीरो आया तो ये जीरो बन गया. नाउ जीरो के साथ तो जीरो ही जाएगा. हम देख रहे हैं दोनों के दोनों सेम है, क्लियर है. मतलब इससे तो हमें ये पता चल गया है कि C1 अज्यूम्स दैट C2 इज ऑन द सेम नेटवर्क. तो ये पॉइंट तो हमारा क्लियर हो गया, बट सेकंड पार्ट को भी चेक करने की जरूरत है. बिल्कुल सेम उसी तरीके से पहले C2 का हम IP एड्रेस और नेट मास्क दोनों को यहाँ पर एंड करेंगे एंड देन फिर C2 का नेट मास्क और C1 का IP एड्रेस को भी हम एंड करेंगे टू कंपेयर कि वो क्या उसी के सेम नेटवर्क पे है कि नहीं. तो देखिए यहाँ पर हमने किया
लिया नंबर, ठीक है। अब ये एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा, 192 का हमने यहाँ पर निकाला एंड 75 का हमने यहाँ पर निकाला। देख सकते हैं यहाँ पर एक जगह पे ये वाला जो वन है वो रिपीट हो रहा है। अब ये नंबर किसका है, ये बाइनरी नंबर किस डेसिमल नंबर का, दैट इज 64, ठीक है, वो हमने लिख दिया। नाउ जीरो के साथ तो जीरो ही आएगा, तो ये एक हमारा बन गया। नाउ सी टू के साथ अब सी वन का करेंगे, तो ये आ गया एज इट इज, ये दोनों लिख के आ जाएंगे क्योंकि यहाँ पर ये दोनों थे। नाउ टू एंड 192, तो उसका हमने निकाला, ठीक है। अगेन यहाँ पर कहीं पर भी सेम टाइम पे नहीं आने, जीरो आ रहे तो ये जीरो जीरो। नाउ यू कैन सी ये दोनों क्या है, डिफरेंट है। मतलब कि सी वन जो है वो अज्यूम कर रहा है कि सी टू जो है सेम एड्रेस पे है, बट सी टू जो है वो अज्यूम नहीं कर पा रहा है, क्लियर है। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, बिल्कुल क्लियर है आप सभी के सामने कि सी वन अज्यूम कर रहा है सी टू को कि सेम नेटवर्क पे है, लेकिन सी टू के सेम नेटवर्क पे सी टू सी वन नहीं है। सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी योर करेक्ट आंसर। क्लियर है, इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? नाउ दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन हियर। आप लोगों के सामने एक राउटर गिवन है, वो इस तरीके का राउटिंग टेबल यूज कर रहा है। इसका डेस्टिनेशन यहाँ पर गिवन है, मास्क गिवन है और इंटरफेस भी गिवन है, क्लियर है। और ये क्वेश्चन आपका 2006 के गेट में पूछा गया था। तो अब पैकेट बियरिंग अ डेस्टिनेशन एड्रेस दिस अराइव्स एट द राउटर ऑन विच इंटरफेस विल इट बी फॉरवर्डेड, तो कौन से इंटरफेस पे इसको फॉरवर्ड करना चाहिए। ओके जेपी, इफ यू आर फीलिंग रिलैक्स दैट्स रियली अमेजिंग। चलिए अच्छी बात है, ऐसे से क्वेश्चन इसलिए तो मैं लेकर आई हूँ ताकि क्लियर हो जाए आप लोगों को। ओके आशीष का आंसर भी आ गया है, और बाकी का क्या हाल है बताइए जरा। यस फास्ट, ओके कई सारे लोगों का आंसर आ रहा है। सो आर यू रेडी फॉर द सॉल्यूशन? चलिए सॉल्यूशन पे आ जाइए क्या, तो रुक जाइएगा सॉल्यूशन पे आ जाते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। सो यहाँ पर वाइस वर्स देखते चलना पड़ेगा आपको। देखिए ये हमारे पास क्या है, डेस्टिनेशन एड्रेस हमारे पास है, एक पैकेट जो बियर कर रहा है वो है ना, और वो राउटर पे हमारे पास डेस्टिनेशन भी है, मास्क भी है, सारी चीज़ें और इंटरफेस भी है। तो ये नंबर याद रखिएगा 144 है, 16 है, ठीक है। तो ये देखिए हमने क्या किया, पहले फर्स्ट रो के हिसाब से जो हमारा ये जो हमारा पैकेट था ना यहाँ पर, ये वाला डेस्टिनेशन एड्रेस, ये वाला जो राउटर पैकेट यहाँ पे चल रहा है, उसको हम हर एक के मास्क के साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है। ऑब्वियस ही बात है, मान लीजिए एकदम इसको इमेजिन कर लीजिए, ठीक है, अच्छे से समझ में आएगा। ये मान लीजिए किसी का पार्सल है, ठीक है। अब पार्सल पे जो मतलब जिन्होंने जो मांगा है, ठीक है, उसके आईपी एड्रेस से हम मैच करेंगे। तो ये मान लीजिए मास्क है, मास्क से मैच किया, मास्क से मैच करने के बाद एंड करेंगे इसको, हम हर एक मास्क के साथ एंड करेंगे। हमें ये देखना है कि क्या इसका इसके डेस्टिनेशन से मैच हो रहा है कि नहीं, ठीक है, वही चेक करना है। तो देखिए ये हमने इसके साथ किया सबसे पहले, पहले वाले के साथ। तो ये देखिए यहाँ पर तो ये जो दोनों हैं वहाँ पर ये सेम वैल्यू आ जाएगा और बाकी में जीरो जीरो आ जाएगा, यही होगा। अब ज़रा चेक कीजिए 144 16 00 आ रहा है सेम, यू कैन सी हियर, ये इसके साथ मैच हो रहा है, एब्सोल्युटली मैच हो रहा है। नाउ वी हैव टू मैच विद इसको, इसके साथ एंड करेंगे और चेक करेंगे क्या क्या इसके साथ मैच हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा सेकंड वाले में, अब देखिए ये है आपका 255 255, तो 144 16 तो एज इट इज़ आ जाना है। नाउ 244 का बाइंडेड निकालेंगे ये निकल कर आएगा, 68 का बाइंडेड निकालेंगे ये निकल के आएगा। कहाँ पर वन रिपीट हो रहा है, तो ये एक जगह पे वन रिपीट हो रहा है। सो ये किसका है आपका, तो ये 64 का है, 64 आया,
और यहाँ पर क्योंकि जीरो है तो ये जीरो ही बन जाएगा। क्या ये सेम हो रहा है, मैच हो रहा है? एब्सोल्युटली मैच हो रहा है, यू कैन सी हियर, है ना, ये इससे मैच हो रहा है, अगेन ये भी मैच है। नाउ नेक्स्ट थर्ड रो पे आ जाते हैं, इसको भी करेंगे, ये जो तीनों की तीनों वैल्यूज है एज इट इज यहाँ पर आ जाएंगी, और क्योंकि ये जीरो है तो इसके साथ ये भी जीरो बन जाएगा। नाउ हियर वी हैव टू अगेन चेक क्या ये सही है, तो एब्सोल्युटली करेक्ट, यू कैन सी हियर। नाउ लास्ट वन हमें चेक करना होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, सो यहाँ पर तीनों जगह पर ये तीनों की तीनों वैल्यूज जो हैं ऑटोमेटिकली उतर के आ जाएंगे, बट 1244 है तो उसका क्या है, ये होगा, 117 है तो उसका ये होगा। नाउ कहाँ पर वन हो रहा है रिपीट, तो यू कैन सी हियर यहाँ पर हो रहा है और एक यहाँ पर भी हो रहा है। अब ये वैल्यू किसकी है, तो ये अगर आप सॉल्व करेंगे तो 96 की है। नाउ अगेन वी हैव टू चेक कि क्या ये सेम है, बिल्कुल भी सेम नहीं, यहाँ पर 96 था और यहाँ पर 64 है, तो ये वाला यहाँ पर मैच नहीं हो रहा है। क्लियर है, तीनों के तीनों मैच हो गए बट वो वाला मैच नहीं हो रहा है। सिंस रिजल्ट इज नॉट सेम एज द गिवन डेस्टिनेशन एड्रेस, रिजल्ट सेम नहीं है डेस्टिनेशन एड्रेस के साथ, सो मैच तो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हैं देयर अकर्स मोर देन वन मैचेस, ठीक है, यहाँ पर एक से ज्यादा मैचेस तो हो रहे हैं ना, ये पॉइंट तो क्लियर हो रहा है आपको, क्लियर है। सो यहाँ पर देख सकते हैं आप, सो राउटर फॉरवर्ड द पैकेट टू दैट इंटरफेस विच करिस्पॉन्ड्स टू द लॉन्गेस्ट सबनेट। अब देखिए तीन पैकेट हो रहा है, एक ये तीन जगह पे हो रहा है ये तीनों, ठीक है, तीनों को आप देख रहे हैं, लेकिन जिसका सबसे लॉन्गेस्ट सबनेट है, मतलब कि जिसके पास नंबर ऑफ वंस सबसे ज्यादा होगा, क्लियर हो रहा है पॉइंट, तो किसके पास सबसे ज्यादा नंबर ऑफ वंस है, सो ईथरनेट 2 के पास नंबर ऑफ वंस सबसे ज्यादा है, क्लियर है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं क्लियरली, क्योंकि ये वाला तो मैच ही नहीं हो रहा है। अभी हमें इन तीनों में देखना होगा, इसका अगर मैं देखूं नंबर ऑफ वन कितना आएगा, 16 आएगा, इसका मैं देखूं अगर नंबर ऑफ वन तो कितना आएगा, 16 + 7 दैट इज 23 आएगा, और इसका मैं देखूं तो 24 आएगा, तो दिस विल बी योर करेक्ट आंसर, इधर है 2 विल बी योर करेक्ट आंसर, क्लियर है। देखिए इंक्रीज तो तभी आएगा जब आप वहां पर पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर रखोगे, तब आपके क्वेश्चन बिल्कुल इंक्रीजिंग वे में होंगे और बिल्कुल सही होंगे। नाउ ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 10 है, ये मैं आपको होमवर्क में इसलिए दे रही हूँ कि जो अभी मैंने क्वेश्चन करा है बिल्कुल सेम उसी के जैसे ही क्वेश्चन है, सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब देखिए मैं समझा देती हूँ, फिर भी क्वेश्चन समझ लीजिए, ये मत कहिए कि मुझे नहीं आया, बस यहाँ पर क्या है डबल केस है, आंसर यहाँ पर नहीं देना है, पहले ही मैं बोल दे रही हूँ, क्लियर है। इस वाले क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर कोई भी नहीं देगा, ये होमवर्क क्वेश्चन है, 3-4 क्वेश्चन दिए होमवर्क में। सो देखिए यहाँ पर क्या, अगेन पिछले वाले क्वेश्चन की तरह डेस्टिनेशन गिवन है, मास्क गिवन है और इंटरफेस गिवन है, और एक आपको लास्ट में चौथा क्या गिवन है, डिफॉल्ट जो कि इंटरफेस इधर ने 2 को फॉलो कर रहा है। नाउ यहाँ पर गिवन है क्या कि दो दो आपको यहाँ पर पैकेट्स गिवन है, पैकेट्स एड्रेस्ड टू डेस्टिनेशन 2। सो यहाँ पर क्या करना है आपको, पहले इसको देखना है कंपेयर करके इंडिविजुअली इन तीनों के साथ, जैसा अभी हमने किया, क्लियर, उसके बाद इसको देखना है हमें, ठीक है, इंडिविजुअली तीनों के साथ। देख सकते हैं आपके पास यहाँ पे दो आंसर है, तो इसका इसका वाला केस तो आपको समझ में आ गया, इसका वाला भी केस समझ में आ गया, अलग अलग करना है, बट बाई चांस जब आप कंफ्यूज हो रहे हो तो वहां पे एक पॉइंट में कह देती हूँ, अगर मान लीजिए कि किसी की वैल्यू डिफॉल्ट आ रही है, ठीक है, किसी से भी उसका नहीं मैच हो रहा, मान लीजिए तीनों में से किसी से भी उसका मैच नहीं हो पा रहा है, हाँ तीनों के डेस्टिनेशन से मैच नहीं हो पा रहा है, तो ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू डिफॉल्ट में चली जाएगी, ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। तो आपको आंसर वहां पर इस तरीके से करना, डिफॉल्ट का इंटरफेस लेकर चलना है, ठीक है। सो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन 4 हो गया, चारों क्वेश्चन करके भेजिएगा और देन आई विल गिव यू द पासवर्ड। सो यहाँ पर हम सेशन को ओवर करते हैं, डेफिनेटली सेशन पसंद आया ही होगा और लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है, लाइक करना बनता है, शेयर जरूर कीजिए ताकि हमारा जो टारगेट है 100+ स्टूडेंट का वो भी हो सके, साथ ही गेट एस्पिरेंट्स अगर आप लोग क्रैश कोर्स चाहते हैं तो आप लोग कोशिश कीजिए, क्यों देखिए जब आप गेट की बात करें तो गेट के एस्पिरेंट बहुत कम है यहाँ पर, तो ज़रूरत है आप लोग को शेयर करने की, ठीक है, तो 100+ स्टूडेंट कीजिए हम लोग ताकि आपके लिए क्रैश कोर्सेस लेकर आए। इफ़ यू वॉन्ट दीज ऑसम सेशंस फॉर लॉन्ग तो बनता है गाइस, शेयर तो बनता है, क्लियर है। तो आज ही मतलब मन में एक प्रण लीजिए कि कम से कम दो लोगों को जुड़वाएंगे, सेशन दिखवाएंगे ताकि उनको पता चले कि
फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर इतने अमेजिंग सेशंस हो रहे हैं, क्लियर है? तो कल मिलते हैं, गुड नाइट, टेक केयर।